अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चूहा पुल के पास खाड़ी से लगकर मुर्गियों के वेस्टेड पार्ट को फेंकने वाले लड़कों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और इन्हें मुमरा पुलिस को सौंप दिया। पुलिस इस मामले में एनसी दर्ज की है। दरअसल कुछ दिनों से चूहा पुल के आसपास रहवासी बदबू से परेशान थे और यहीं आसपास में स्कूल है और एक धार्मिक स्थल भी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन और कब फेंक कर चला जाता है, मगर रात के समय में कुछ लोगों ने दोपहिया गाड़ी से आए गंदगी फेंकने वाले लड़कों को पकड़ लिया और इस मौके पर मुमरा पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस ने दोपहिया गाड़ी और गंदगी फेंकने वाले लड़कों को हिरासत में लिया और मुमरा पुलिस स्टेशन ले गई और इनके खिलाफ एनसी भी दर्ज की है। मुमरा का जो चूहा पुल खाड़ी है, यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी जो है यहाँ पर आसपास में रहवासी इलाका है और यहीं पर रात के समय में ये लोग चुपके से जाकर मुर्गियों के जो वेस्टेड पार्ट है वो फेंकते थे और स्थानीय लोग इसमें से निकलने वाली बदबू से काफ़ी परेशान थे। लेकिन कल रात में जब ये फेंकने गए तो इन्हें पकड़ लिया गया। नाम क्या जरा बोल, जल्दी बोल, नहीं तो मार खाएगा। नाम क्या जरा? नाम क्या है बोल। राहिल। राहिल कहाँ पे रहता है? इसमें पर। ठीक है, क्या है तेरे दुकान का नाम? क्या है सेठ का नाम? क्या है इधर देख के बोल, सेठ का नाम क्या है? जलील सेठ। जलील सेठ, क्या काम करते हो? हाँ, वो भी मुर्गी बेचते। कभी उनके कुछ गाड़ी में घूम घूम के बेचते पैसा? हाँ, सुबह सुबह सबको होलसेल में बेचने वाला काम। तो जो कही आप जो गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पे, कितने दिन से फैला रहे हैं यहाँ पे? 2-3 दिन। और इसकी इसकी किसी ने आपने इजाज़त ली? ये कौन बोला आपको यहाँ पे फेंकने के लिए? सेठ। कौन सेठ? जलील सेठ। जलील सेठ उसने बोला यहाँ पे फेंक के जाओ?